न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आज न्यूज चक्र में मैं आपके सामने दो मुद्दे रखने वाला हूं दोस्तों। मुद्दा नंबर एक, आर्यन खान मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आचरण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज हम सवाल आपके सामने ये खड़ा कर रहे हैं कि क्या आर्यन खान, शाहरुख के बेटे आर्यन खान को छोड़ने की एवज में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे फिरौती वसूल रहा था? ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके अपने गवाह ने एक लिखित एफिडेविट में दिए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मंगलवार को आर्यन खान के बेल की सुनवाई भी हो रही है। मुद्दा नंबर दो, जैसे कि आप जानते हैं कल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत को बुरी तरह से रौंद दिया, 10 विकेट से हरा दिया। मगर क्या आप जानते हैं कि हमला किस पर हो रहा है इस मैच के लिए? इस मैच पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है मोहम्मद शमी पर। एक एक करके इन तीनों चेहरों पर गौर कीजिए। आर्यन खान, जिनके बेल की सुनवाई मंगलवार को हो रही है। समीर वानखड़े, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के प्रमुख। शाहरुख खान, जो कि आर्यन खान के पिता हैं। अब मामला क्या उभर कर आया है? मामला यह उभर कर आया है कि सरकारी गवाहों में से एक प्रभाकर सैल समीर वानखड़े पर 8 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक लिखित एफिडेविट में यह बात कही है। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले आपके सामने वीडियो देखिए। यह वीडियो देख रहे हैं आप, इसके अंदर आप देख सकते हैं एक शख्स आर्यन खान को फोन पकड़ाता है और आर्यन खान फोन पर कुछ बात करता है किसी से और फिर वो फोन खींच लिया जाता है। वो शख्स जो फोन पकड़ाता है आर्यन खान को, उसे आप में से कई लोग पहचानते होंगे। वो है किरण गोसावी, वो प्राइवेट डिटेक्टिव जिसका एक आपराधिक इतिहास है, वो प्राइवेट डिटेक्टिव जो इस रेड में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ था, और वो प्राइवेट डिटेक्टिव जो अब फरार चल रहा है। अब एक लिखित दस्तावेज में यह कहा गया है कि यह पूरा मामला 18 करोड़ से 25 करोड़ की वसूली का मामला था। मैं आपके सामने एक एक तथ्य पेश करना चाहूंगा दोस्तों, जो इस एफिडेविट में आपके सामने आया है। लिखित एफिडेविट में विवादास्पद प्राइवेट डिटेक्टिव किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने कहा है कि 3 अक्टूबर को उसने किरण और सैम डिसूजा के बीच बातचीत सुनी, जिसमें कथित तौर पर 18 करोड़ की डील हुई, जिसमें 8 करोड़ समीर वानखड़े को दिए जाने थे। आप जानते हैं दोस्तों कि किरण गोसावी इस वक्त फरार बताया जा रहा है और प्रभाकर सेल मुख्य गवाहों में से एक है। लिखित एफिडेविट में आगे भी क्या है, उसके बाद शाम को किरण, सैम और शाहरुख खान की सेक्रेटरी पूजा ददलानी के बीच कार के अंदर बातचीत होती है। यह सब प्रभाकर ने एक लिखित दस्तावेज में कही है। उसके बाद किरण गोसावी से मिले दिशा निर्देश के बाद वो 2 बड़े थैले सैम को देता है, जिसमें 38 लाख रुपए होते हैं। एफिडेविट में प्रभाकर यह भी लिखता है कि जिस दिन क्रूज पर रेड पड़ी वो वहीं मौजूद था और कुछ लोगों की पहचान भी करवा रहा था। बाद में एनसीबी के दफ्तर में उससे कोरे कागज पर दस्तखत भी करवाए गए। दो मुद्दे यहां पर, क्या गवाहों पर कोरे कागज पर दस्तखत कराए जाते हैं? और मुद्दा नंबर दो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ का जिम्मा भी जो है वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स और आपराधिक इतिहास वाले लोगों को सौंप रखा है? समीर वानखड़े, आप 8 करोड़ की वसूली की चलिए कोई सफाई मत दीजिए, मगर मुझे बताइए ये हो क्या रहा है। पहले इन तस्वीरों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मनीष भानुशाली वो भी रेड में पहुंच जाता है, किरण गोसावी जिसका एक आपराधिक इतिहास है वो भी रेड में पहुंच जाता है, और अब आप देखिए यहां पर वो बाकायदा फोन पकड़ाता है आर्यन खान को और उसके साथ बातचीत करता है। हमारा देश क्या अब एक बनाना रिपब्लिक हो गया है?
क्या हम आधिकारिक तौर पर एक फेल्ड स्टेट हैं जहां जांच के नाम पर कुछ भी होगा? और अब यह मामला इस कदर विवादास्पद हो गया है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार समीर वानखेड़े को त्वरित अपने पद से बर्खास्त करे। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में, जब से मामला आया है तो उनका अंदाजे बयां किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। वो अपनी पब्लिसिटी में बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और उसी के चलते यह मामला बद से बदतर हो रहा है। अब इस मामले में समीर वानखेड़े जो हैं वो मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक खत लिख रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई मेरी गिरफ्तारी ना हो, मुझ पर किसी तरह का लीगल एक्शन ना हो। वानखेड़े साहब, आपके इस पूरी जांच में इतने सारे छेद दिखाई दे रहे हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। जी हां, अब उन्होंने जो खत लिखा है मुंबई पुलिस कमिश्नर को, वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको, आपके स्क्रीन पर। इट इज ऑल्सो ब्रॉट टू योर नोटिस that threat of jail and dismissal have been issued against the undersigned on public media by highly respectable public functionaries. Hence, you are requested to kindly ensure that no such precipitate legal action is carried out to frame the undersigned falsely with ulterior motives. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। नवाब मलिक जो इस मामले में लगातार समीर वानखेड़े और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पर्दाफाश कर रहे हैं, अब वो एक दस्तावेज सामने लेकर आए। वो दस्तावेज क्या कह रहा है? समीर दाऊद वानखेड़े का यहीं से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा, यहां पर उन्होंने एक दस्तावेज पेश किया है जिसमें यह बतलाने का प्रयास है कि समीर वानखेड़े ने अपने धर्म के बारे में, अपनी जाति के बारे में भ्रामक बातें कही। अब इसके जवाब में समीर वानखेड़े का एक निहायत ही इमोशनल बयान आया है, आपके स्क्रीन पर दोस्तों उन्होंने क्या कहा अंग्रेजी में और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। एजेंसी सोर्सेस, आई हैव कम टू नो अबाउट योर रीसेंट ट्वीट बाय नवाब मलिक रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट। दिस इज अ शॉडी अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड टू द ड्रग्स केस। माय मदर वॉज अ मुस्लिम, व्हाई डज ही वॉन्ट टू ब्रिंग माय डेड मदर इन टू दिस। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यकीनन किसी को भी समीर वानखेड़े की मां पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप खामखा उसमें एक इमोशनल एंगल जोड़ रहे हैं यह कहकर कि मेरी डेड मदर, मेरी मां जो अब जिंदा नहीं है, वो जिक्र शब्द आप उनसे जोड़ रहे हैं। किसी को हक नहीं उनकी मां पर हमला करने का। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर वाकई कुछ गड़बड़ की है तो इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि शायद उसी कास्ट सर्टिफिकेट के एवज में उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और हो सकता है कि उसी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें सिविल सर्विसेज में प्लेसमेंट मिला होगा कथित तौर पर। तो मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े के परिवार पर हमला करने का अधिकार किसी को नहीं है, मगर इस मामले में अगर कुछ वसूली हुई है जिसकी तस्दीक कोई और नहीं, आपका अपना गवाह कर रहा है, तो इस बात की तो जांच होनी चाहिए ना। जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, इस मामले से तीन और चेहरे जुड़े हुए थे, आमिर फर्नीचर वाला, ऋषभ सचदेवा और प्रवीण गाबा। इसमें से एक ऋषभ सचदेवा बीजेपी के एक नेता का साला है, इन तीनों को रिहा कर दिया गया है। ये तीनों उस क्रूज में मौजूद थे, बावजूद इसके उन्हें रिहा कर दिया गया। यह सब क्या बतलाता है? यह बतलाता है कि इस मामले में जबरदस्त गड़बड़ झाला है। इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द करना भी मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले की तह तक पहुंच पाएंगे। मगर अब सबकी निगाह मंगलवार को है दोस्तों, जब यह मामला हाईकोर्ट के सामने आने वाला है, और हाईकोर्ट के सामने इस वक्त तीन विकल्प हैं और यह तीनों विकल्प बहुत ही खूबसूरती से दैनिक भास्कर ने अपने एक आर्टिकल में दिए हैं जो मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाना चाहूंगा। कंडीशन वन, 26 से 29 अक्टूबर तक हाईकोर्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई करे, 29 या इससे पहले जमानत याचिका को मंजूर कर ले तब आर्यन 29 से 30 अक्टूबर तक अपने घर पहुंच सकते हैं। मगर अगर यह पहली शर्त पूरी नहीं होती है तो आर्यन खान को 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ सकता है, जैसा कि दैनिक भास्कर का यह आर्टिकल बता रहा है। और यह स्पष्ट होता है दैनिक भास्कर के इस आर्टिकल के कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 से।
दूसरी शर्त यानी कंडीशन नंबर दो क्या है? 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में आरएन के वकील जमानत की मांग करेंगे, लेकिन एनसीबी पिछले 3-4 दिनों में हुए नए प्रकरणों और आरएन के चैट के आधार पर जेल कस्टडी की मांग करेगी। सुनवाई एक दिन में हो जाए इसकी संभावना कम है, क्योंकि लंबी बहस चल सकती है। हाई कोर्ट 29 अक्टूबर शुक्रवार तक खुला है, 30 को शनिवार है, 31 को रविवार और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दिवाली वेकेशंस होंगे, यानी कि दिवाली की छुट्टी होगी। और अगर यह मामला 1 नवंबर तक खिंच गया तो आर्यन खान को 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरी कंडीशन की। एक संभावना यह भी है कि एनडीपीएस कोर्ट ही की तरह हाई कोर्ट जमानत पर फैसला 15 नवंबर तक सुरक्षित रखे, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। इसका एक कारण यह भी है कि दीपावली के बाद जजों के रोस्टर बदलेंगे, फिर कोई नया जज बेंच पर आए और फिर से उनके सामने सारी दलीलें रखी जाएं, ऐसी गुंजाइश नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि अगले 24 से 36 घंटे आर्यन खान के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं अगर उन्हें कल बेल नहीं मिली या 30 अक्टूबर से पहले बेल नहीं मिली तो उन्हें 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ सकता है। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, आज का दूसरा विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मैच। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस मैच में भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से हरा दिया। मगर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ी ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रति अपनी आस्था जतला रहे हैं। वो इस फोटो के जरिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स हैं उन पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जो ब्लैक्स के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो है एक जंग छेड़े हुए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि हमारी क्रिकेट टीम को तमाम जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या जितने भी खेल हैं, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत मिलती है, सबसे ज्यादा रसूख इनका है। आज मैं विराट कोहली और टीम इंडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर किसान 200 से ज्यादा मर चुके हैं सिंघू बॉर्डर के आसपास, कई लोग ये आंकड़ा 500 तक बताते हैं। हाल ही में लखीमपुर खीरी में आप जानते हैं 8 लोगों को रौंद कर गाड़ी निकल गई थी, आरोपी बीजेपी मंत्री का बेटा है। और इस देश में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की लिंचिंग होती है, बेवजह उन्हें टारगेट किया जाता है, कई एक्टिविस्ट इस वक्त जेल में हैं, पत्रकार जेल में हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी क्रिकेट टीम अपने देश में जब लोगों पर अत्याचार होते हैं उस पर कब अपनी जुबान खोलती है, या ये लोग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का रट्टू तोता बन के रहेंगे। चलिए, आपको किसानों की परवाह नहीं है, आपको भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं जिन पर अत्याचार किया जा रहा है उसकी परवाह नहीं है, अगर अपने टीम के खिलाड़ी की तो परवाह है। ये कौन है? मोहम्मद शमी। आप जानते हैं कल जब भारत को हार का सामना करना पड़ा तब मोहम्मद शमी के फेसबुक पेज पर ही नहीं बल्कि ट्विटर पर भी उनके धर्म को लेकर, उनके परिवार को लेकर लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी। दोस्तों वो गंदी गंदी गालियां हम इस मंच पर आपको नहीं दिखा सकते, मगर पूरा दोष उनके सिर पर। क्यों? क्योंकि मोहम्मद शमी एक मुसलमान है और ये जो भक्त मंडली है ना, अंध भक्त जो हैं, उनके लिए बहुत आसान है साहब कि अगर आप पाकिस्तान से हार गए तो ठीकरा जो है आप एक मुसलमान के सिर पर फोड़ते हैं। और ये अरसे से नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, एक अरसे से फिर शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला आपके स्क्रीन पर। मोहम्मद शमी वॉज वन ऑफ द 11 प्लेयर्स हु लॉस्ट लास्ट नाइट, ही वॉजंट द ओनली प्लेयर ऑन द फील्ड। टीम इंडिया, योर ब्लैक लाइव्स मैटर नी टेकिंग काउंट्स फॉर नथिंग इफ यू कांट स्टैंड अप फॉर योर टीम मेट हु इज बीन हॉरिबली अब्यूज्ड एंड ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया। उमर अब्दुल्ला भी वही कह रहे हैं कि आप ब्लैक लाइव्स मैटर और जो ब्लैक्स अमरीका में बसते हैं उनके लिए आप अपने दिल से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं,
मगर आप ही के एक टीममेट को इस तरह से गालियां दी जा रही हैं और आप उस पर पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं। आपको एक बात समझनी होगी दोस्तों कि जो जहर का प्रचार प्रसार हमारा मीडिया करता है ये उसी का परिणाम है। और ये मीडिया, और मैं बता दूं, मेरी पूरी सहानुभूति उन अंधभक्तों के साथ है जो मोहम्मद शमी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को इस कदर न्यूज चैनल्स ने ब्रेन वॉश कर दिया है ना कि अब तुम वापस भी नहीं लौट सकते हो। मैं बताता हूं तुम्हें किस तरह से मूर्ख बताया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, 2017 को जी न्यूज के मालिक और संपादक ने क्या कहा था। पहले तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुके इस संपादक को देखिए। यह है 3 जून 2017 को उनका ट्वीट, और उन्होंने एक कार्यक्रम भी किया था इस पर। Which side are you playing for this Sunday? Indian Army or Cricket Merchants Decide India? 2017 में दोस्तों इस आदमी ने ट्वीट किया था और जी न्यूज ने लंबे चौड़े कार्यक्रम भी किए थे और ये कहा था कि साहब पाकिस्तान भारत के अंदर हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे नागरिकों को मार रहा है, तो क्या हमें उनके साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? बहुत उम्दा बात आपने कही। और यही नहीं दोस्तों, इनके जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, We'll have the special series for the entire Champions Trophy except India versus Pakistan. In this match, we are supporting the Indian Army. इन्होंने कहा कि साहब भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हो रहा है उसे छोड़ के हम तमाम मैचेस को कवर करेंगे क्योंकि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। ये चैनल भारतीय सेना के नाम पर आपको मूर्ख बना रहा है। क्या इस बात का अंदाजा है आपको? अब आप कहेंगे मूर्ख कैसे बना रहा है? तो साहब ये 2-3 तस्वीरें देखिए। जी न्यूज का यही संपादक शोएब अख्तर को लाखों रुपए दे रहा है और कार्यक्रम कर रहा है अपने प्राइम टाइम में, ऐसा नहीं कि अपने किसी स्पोर्ट्स स्लॉट में ये शो किया जा रहा है, ये अपने प्राइम टाइम में ये शो कर रहे हैं जिसमें शोएब अख्तर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को लाखों रुपए कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए होंगे। ये लोग अब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को कवर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मैच पर कार्यक्रम करने से इन्हें जबरदस्त पैसे भी मिल रहे होंगे, विज्ञापनों के जरिए ढेरों पैसे मिल रहे होंगे। तो मतलब क्या हुआ? कुछ दिनों पहले हमारे सम्मानित न्यूज चैनल्स, हमारी जो गोदी मीडिया है, वो भारतीय सेना का इस्तेमाल करके टीआरपी बटोर रही थी, पैसे भी कमा रही थी। अब हमारे न्यूज चैनल्स भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हो रहा है उसके नाम पर कमाई कर रहे हैं। बताइए बताइए, वो तो कमाई कर रहे हैं साहब, मगर आपकी अक्ल और आपकी जेब पर डाका मारा जा रहा है क्योंकि आप लोग प्राइम टाइम में अपने घरों में बैठकर यही न्यूज चैनल्स देखते हैं। और इन न्यूज चैनल्स को देखकर आपके यहां क्या असर पड़ रहा होगा, मेरे पास तो शब्द नहीं है साहब, मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरा रुख इस मुद्दे पर शुरू से ही स्थायी रहा है कि हमें खेल को राजनीति से दूर करना चाहिए। अगर यह देश यह फैसला कर लेता है कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक आईएसआई है, पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी गुटों को शह देता है, यह बात हकीकत है, यह बात फैक्ट है। मगर अगर भारत यह फैसला कर ले, भारत सरकार यह फैसला कर ले कि हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो मैं उस फैसले के साथ हूं। मगर फिर भी अगर मेरी निजी राय अगर आप पूछें तो खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए, मगर फिर भी मैं देश के साथ हूं। क्या यह न्यूज चैनल्स देश के साथ हैं? नहीं, इन्हें सिर्फ कमाई करनी है, अपनी जेबें भरनी है और आप जैसे महान दर्शकों को मूर्ख बनाना है। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और हमारी ये कोशिश है दोस्तों कि आपके सामने हर खबर की हकीकत लेकर आए तथ्यों पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।